अलहमदिल्ल अलहमदिल्ल रबिलमी वसलात वसलाम मुहमदमी हाउज़बिल्लाजीम बिसमिल्लर ख़्वातिन हम सूर्य यूनुस की आयत सत्तर का मताल कर रहे थे ये आयत हमने पढ़ ली इसका तर्जुमा भी मैंने सुना दिया था एक मरतबा फिर सुन लीजिए पीछे से मज़मून ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी बास निशानियों की तरफ तोज्जो दिलाई उसके बाद ये फरमाया कि इन्होंने कहा है कि खुदा ने औलाद बना रखी है वो इससे पाक है कि किसी को औलाद बनाए वो ऐसी हर चीज़ से बेनियाज़ है ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है सब उसी का है तुम्हारे पास इसकी कोई दलील नहीं है क्या तुम खुदा पर ऐसी बात लगाते हो जिसका तुम इलम नहीं रखते कह दो है पैगंबर के जो अल्लाह पर झूठ लगाते हैं वो हरगज़ फला नहीं पाएँगे उनके लिए यही थोड़ा सा फ़ायदा है जो दुनिया में उठा लेंगे फिर उनको हमारी तरफ ही पलटना है फिर उनके इस कुफर की पादाश में हम इनको सख्त अजाब का मज़ा चखाएंगे। ये मज़मून है जिस तक अब हम पहुंच चुके हैं इसमें जो इस्तेदलाल किया गया था कि होबल लजीजालई लल तस्कुन वफ़ी व नहारा मुबसरा इन्फ़ी ज़ाल कला आया तिल कौमी यसम कि सुनो वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात को तारीख़ बनाया ताकि उसमें आराम करो और दिन को रोशन बना दिया ताकि माश की जद्दोजहद करो ये इस्तदलाल किस पहलू से किया गया है इसको एक बार फिर देख लीजिए ताकि आके के मज़मून से रब पूरी तरह वाजे हो जाए इस पर हाशिया है ये क्या निशानियाँ हैं यानी अल्लाह ताला ने दिन में भी एक निशानी बयान की रात में भी एक निशानी बयान की ये क्या निशानियाँ हैं उस्ताद इमाम अमीन अहसन इस्लाही ने वजाहत फरमाई है वो लिखते हैं सबसे पहले तो उस तोफ़ुक पर निगाह कीजिए यानी उस साजगारी पर हम आहंगी पर हमनी पर जो रात और दिन के अंदर बावजूद है कि वो दोनों जिद्दैन की नस्बत रखते हैं यानी बाहिर तो रात और दिन एक दूसरे के ज़िद हैं लेकिन इनके अंदर इंसान के लिए एक तवाफुक पाया जाता है वो तवाफुक क्या है कि दोनों मिलकर इंसान की खिदमत कर रहे हैं यानी इंसान के हवाले से वो तजाद आखिरी दर्जे की साजगारी पैदा कर देता है रात उसके लिए राहत का बिस्तर बिछाती है और दिन उसके लिए सरगर्मियों का मैदान खोलता है यही हाल इस कायनात के तमाम अजदाद का है यानी जितनी चीज़ें भी हैं वो बाहर एक दूसरे के मुकाबल में खड़ी हैं एक दूसरे की ज़िद हैं लेकिन वो सब मिलकर वो वह साजगारी पैदा करती हैं जो इंसान की ज़रूरत बन जाती है इंसान के लिए अल्लाह की रहमत और उसकी इनायत और उसकी नेमत बन जाती है रात उसके लिए राहत का बिस्तर बिछाती है और दिन उसके लिए सरगर्मियों का मैदान खोलता है यही हाल इस कायनात के तमाम अजदाद का है कि वो पूरी वफ़ादारी और साजगारी के साथ अपने से बाला तर मकसद की ख़िदमत में सरगर्म है और उससे ज़रा इहराफ़ नहीं करती यानी जो मकसद मतिन कर दिया गया है मकासद तो हमारे फ़हम और इदराक से बालातर तर और भी हो सकते हैं लेकिन जो मकसद हमारे हवाले से बिलबदत सामने आता है इन चीज़ों में से कोई उससे ज़र्र बराबर इनहराफ नहीं करती उस मकसद को पूरा करने में लगी हुई सूरज अपना काम कर रहा है चाँद अपना काम कर रहा है सैारे और सितारे अपना काम कर रहे हैं दरख्त हवा समंदर सब अपने अपने काम में लगे हैं इनके दरमियान एक दूसरे से ज़िद्दैन का ताल्लुक भी है तो हुआ करे हमारे लिए वो नतीजे के लिहाज से साजगारी हम आहंगी और तोफ़ की तोफिक है ज़ाहिर है कि ये इसके बग़ैर मुमकिन नहीं है कि एक बाल तर और हकीम इरादा इस कायन के पूरे नज़ाम पर हावी और काहिर हो यानी ये हो नहीं सकता कि इस तरह के अजदाद किसी मखलूक की ख़िदमत में लग जाएं, सब उसके लिए साजगार हो जाएं और उनके पीछे मुख्तफ़ इरादे कार फरमा हो ये उसी सूरत पर मुमकिन है कि हर चीज़ को एक बाला तर और हकीम इरादा इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा हो और वो इसके अज़ाय मुख्तलिफा में रबतो ताल्लक़ पैदा करके इसको अपनी हमत के तहत चला रहा हो ये लाजमी नतीजा है यही होगा चुनाचे ये आलम अपने वजूद से ये अजदाद अपने माबे पैदा होने वाली आहंगी से ये नज्म अपनी नतीजा खेजी से साफ शहादत दे रहा है कि कोई इस पर बहस करना चाहे तो कर ले कि इसके पीछे किसी का हाथ है या नहीं लेकिन ये मुख्तलिफ हस्तियों का हाथ नहीं हो सकता वो एक ही बालातर और एक ही हकीम इरादा है इसी को कुरान मजीद ने दूसरी जगह उलट कर बयान किया है कि अगर दो इरादे भी कारफरमा होते यानी दो से ज़्यादा तो क्या दो भी कारफरमा होते तो फसाद पैदा हो जाता ये हो ही नहीं सकता था कि इस तरह की नतीजा खेजी इस तरह की कानून की पाबंदी इस तरह का जबते का इतराक़ इस तरह की गैर मामूली हमत ये हम वक्त मौजूद होती इसमें अदना दर्जे में कोई ख़ल न पड़ता तो ये तोहद की दलील है ये उस तो की दलील हुई जिसका ऊपर वाली आयत में ज़िक्र है इसके बाद दूसरी चीज़ यानी इसी आयत से इसी निशानी से दूसरी चीज़ जो जाहिर हो रही है वो ये है कि ये कारखाना कायनात ना कोई इतफाकी हादसे के तौर पर ज़हूर में आ जाने वाली शह है और ना ये किसी खिलंडरे का खेल तमाशा यानी अब जब इसमें ये साजगारी है ये हमत है इसमें ये नतीजा खैजी है तो क्या ये माना जा सकता है कि ये कोई इतफाकी हादसा हो गया है कि अक़िल इसको तस्लीम कर सकती है कि ये किसी ने खेल तमाशा बना रखा है बल्कि इसके हर गोशे में अजीम कुदरत हैरत अंगेज़ हमत और नहायत गहरी गाय तो मसलियत पाई जाती है जहाँ जहाँ भी इसका मताल कीजिए कोई गोशा ऐसा नहीं है कि जो अजीम कुदरत हैरत अंगेज़ हमत और नहायत गहरी गाय तो मसलियत से ख़ाली हो जर्र जर्रे में भी यही चीज़ नुमायाँ है और जब इसको इसकी मजमू हैत में देखा जाता है तो वहाँ भी यही चीज़ वाज़ हो जाती है ये चीज़ मक्तजी है तकाजा करती है कि ये दुनिया ना यूँ ही चलती रहे ना यूँ ही तमाम हो जाए क्योंकि ये एक पुरहिकमत कारखाना है तो अब इसका अंजाम क्या ये होना चाहिए कि बस हम पैदा हुए हम पले बढ़े हमने दुनिया में कुछ दिन गुज़ारे और मिट्टी में मिल गए ये चीज़ ना हमारा शौर कबूल करता है ना हमारी शख्सियत का इदराक कबूल करता है ना इंसान का मजमू मताल कबूल करता है ये बात जब कही जाती है तो एक एक चीज़ इसको उगल देती है ये चीज़ मक्तजी है कि यह दुनिया ना यूँ ही चलती रहे ना यूँ ही तमाम हो जाए बल्कि ज़रूरी है कि ये किसी अजीम गायत पर मनत हो यानी ये एक एक जुजिए में अपनी गायत और अपनी मसलियत रखती है एक एक में इल्लत और मालूल के कतई रिश्ते रखती है एक एक जुजिये में तोाफक हम आहंगी और साजगारी रखती है तो फिर बैसीत मजमू कैसे इसके बारे में माना जा सकता है कि इसकी कोई गायत नहीं है यानी ये कारखाना बग़ैर किसी मंजिल के है ये कारवा बे इरादा रवं है ये कैसे कहा जा सकता है ये बात बिल्कुल खिलाफ अक्ल होगी इसलिए कि अक्ल इस तरह के तजादात को कबूल नहीं करती वो या तो इब्तः में जुजियात में और अज़ाही में उस चीज़ का इनकार करेगी या उसके मजमूे में भी उसका इकरार करेगी ये चीज़ लाजिम है और जब ये चीज़ लाजिम है तो फिर ये भी लाजम है कि ये गायत बगैर इसके पूरी नहीं हो सकती कि इसके बाद आखरत को तस्लीम किया जाए यानी इस दुनिया की गायत मानी जाए वो हमें अल्लाह ने बता दिया अल्लाह के रसूलों ने बता दिया कि वो गायत क्या है वो एक नई दुनिया को वजूद में लाना है जो अबदी दुनिया होगी इसी मवाद से वजूद में आएगी ये कायनत उसी का मटीरियल है जो फ़जा में बखेर दिया गया है ये अजीम स्यारे और सितारे सब के सब मिला दिए जाएंगे और जिस तरह के कुरान ने कहा कि जोम वल कमर और जैसे ये कहा कि योम तबलो लर्ज़ व गैर लर्ज़ वसमत इसको अल्लाह ताला एक नई दुनिया में बदल देगा वो अबदी दुनिया है ये लाजमी नतीजा है कि यही गायत इसकी होनी चाहिए तीसरी चीज़ वो रबूबियत का निज़ाम है जो इसके हर गोशे में जलवा है यानी सिर्फ़ यही नहीं कि खल का ज़हूर हुआ है चीज़ें बन गई हैं बल्कि मखलूक़ात के लिए रबूबियत का अहतमाम हुआ है तीसरी चीज़ वो रबूबियत का निज़ाम है जो इस हर गोशे में जलबर है रबूबियत मसूलीत को मक्तजी है यानी पालने वाला पाल रहा है देने वाला दे रहा है एक एक ज़रूरत को पूरा कर रहा है उसके तमाम तकाज़े मालूम होता है कायदे में ढले हुए हैं और जब कोई चीज़ वजूद में आती है तो उसको वजूद में लाने के लिए उसके वजूद को बरकरार रखने के लिए उसकी ज़रूरियात को मुख्तलिफ पहलुओं से पूरा करने के लिए पूरी कायनात सरगर्म हो जाती एक एक चीज़ ये साफ़ मालूम होता है कि उसी की खिदमत में लगी हुई है तो ये सब जो हमें नज़र आता है ये क्या इंसान को मसूल नहीं ठहराता जवाब नहीं ठहराता ये एहसास नहीं पैदा करता कि जिसने ये सब दिया है तो क्या ये मुफ्त में दे दिया है वो पूछेगा नहीं जानेगा नहीं इस बात को जिसने हमारे लिए ज़िंदगी और परवरिश का ये सारा निज़ाम कायम किया है उसका हम पर फितरी तौर पर हक कायम होता है और लाजिम है कि एक दिन उस हक़ की बाबत हमसे पुरसश हो इंसान जो बुनियादी मुकदमात हैं वक़ल के उनका इनकार भी कर दे अगर तो उसका अमल उसकी तकज़ीब कर देता है चनाचे तो देखिए कि रबूबीत का ये हक इंसान खुदा के मामले में तो नहीं भी मानता लेकिन दुनिया में ये जिस जिस वास्ते से मैसर आता है कभी उससे इनहराफ का सोच भी सकता है सोचें तो हम कहते हैं बड़ा लेम इंसान है इसने माँ का हक़ नहीं पहचाना बाप का हक़ नहीं पहचाना माशरे का हक नहीं पहचाना रियासत का हक नहीं पहचाना क्या करते हैं ये सब रबूबियत का एहतम है तो करते हैं यानी हल्क़ में तो किसी का भी कोई हिस्सा नहीं है तो ये मसूलियत और रबूबियत जवाबदेही और रबूबियत तमाम हकूक़ की फ़लसफिया बुनियाद यही है तो लाजिम है कि फिर पुरसश हो पूछा जाए जिन्होंने इस हक को पहचाना हो वो उसका इनाम पाएँ और जिन्होंने इसकी नाकदरी की हो वो उसकी सज़ा भुगतें इस एतबार से ये जजाओ सज़ा की दलील हुई तो ये पहलू है जो गोया उस एक आयत में अल्लाह ने जो मजमून बयान किया है उसके अंदर छुपे हुए थे क़ुर मजीद का आम तरीका यही है कि वो तमहीद उठाता है उसमें ज़्यादातर अनफस आफाक से इस्तलाल होता है इल्म अकल के मुसलमत से इस्तलाल होता है इसके बाद वो तारीख़ का इस्तलाल पेश करता है ये आम तरीका है ज़ाहिर है कि मुख्तिस सूरतों में इसकी नौीयत मुख्तलफ हो जाती है तो अब ये तारीख से इस्तलाल शुरू हो रहा है तारीख से इस्तलाल का मतलब है अल्लाह तुनिया में इंसानों के साथ जो मामला किया और उसमें किसी इलाही का ज़हूर हुआ सुनत इबला का ज़हूर वो हमारे पूरे वजूद में हो रहा है जजाव सजा पर हम अभी गुफग कर चुके हैं तो किसी सुनत इलाही का जब दुनिया में ज़हूर होता है तो ये दर हकीकत ख़ुद ख़ुदा का ज़हूर होता है इसलिए उसको तारीख़ से उठाकर इस्तलाल के लिए पेश किया जाता है और इस जैल में जिस सुनत इलाही का सबसे ज़्यादा ज़िक्र होता है क़ुरान में वो पैगंबरों के आने के बाद खुदा की अदालत का ज़हूर है उसी का भवारा शुरू हो गया फरमाया वल्लू आल नबा नूह इस कल कौम ही या इन कान कबरा इनकानब्रैक्म मकामी बतरी बे आयातल फ़ाललल्ला तवक्ल तो फमर कुमशरा काकुम सुम अलाकुन अमर कुमईकुम गुम सुम मकसू इले वहे नूह की सरगुजाइश सुनाओ यानी इसको अगर पूरी तरह खोल दीजिए तो मतलब यह है कि ये हकायक हमने इनके सामने रख दिए, ये इन पर गौर करें और ज़रा थोड़ी देर के लिए तारीख़ के हवाल पर भी एक नज़र डाल लें इसके लिए इन्हें नूह की सरगजश सुनाओ ये पहली सरगुजश है यानी खुदा की अदालत का दुनिया में जो पहला जहूर हुआ वो नू अलैहिस्सलाम की अदालत पे हुआ इन्हें नूह की सरगुजश सुनाओ है पैगंबर जब उसने अपनी कौम से कहा मेरी कौम के लोगों अगर मेरा दावत के लिए खड़ा रहना और अल्लाह की आयतें सुनाकर याद दहानी करना तुम पर गिरा हो गया ये जुमला ही बता रहा है कि एक लंबे अरसे की दावत व तजगीर की जद्दुहद के बाद बोला गया है चनाचे मैंने इस पर लिखा है दूसरी जगह तस््री है कि नू अलैहिस्सलाम ये ज़िम्मेदारी सैकड़ों बरस तक अदा करते रहे उन्होंने ये गालिबन इसी बिना पर फरमाया है कि मैंने तो बरसों बल्कि सदियों तक ये ज़िम्मेदारी अदा की है अब तुम्हारा रद्दमल बता रहा है कि बजाय इसके कि तुम इससे याद दहानी हासिल करते अपनी दुनिया को भी संवारते अपनी आखिरत की भी भलाई चाहते तुमने मेरी बात को सुना नहीं माना नहीं और अब लगता है कि मेरे मुकाबले में तुम्हारे अंदर बेजारी पैदा हो रही है मेरा वजूद मेरी बात तुम पर गिरा गुज़र रही है अगर मेरा दावत के लिए खड़ा रहना और अल्लाह की आयतें सुनाकर याद दहानी करना तुम पर गिरा हो गया है यानी अब तुम मुझे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हो यही बरहला होता है कि जिसके बाद फिर अल्लाह फैसला सुना देते हैं जब तक लोग कुछ बात सुनते रहते हैं दो चार लोग निकलते रहते हैं जैसे कि इब्राहीम आसलम ने जब मुजाजला किया तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि इब्राहिम पाँच दस रास्त बाज़ भी होंगे तो मैं बस्तियों को तबाह नहीं करता मौका देता हूँ तो ये मौका इनको भी दिया गया लेकिन फिर वो वक्त आ गया कि जब पैगंबर का वजूद गिरा हो गया जैसे कि वसल्लम सल के बारे में कुरैश ने आखिर में फ़ैसला कर लिया कि अब सब लोग मिलकर एक बारगी हमलावर होंगे और इनका ख़ात्मा कर दिया जाएगा यानी अब वजूद ही गवारा नहीं है ये मरहला मैंने अर्ज़ किया है कि सब पैगंबरों के यहाँ जब नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है तो बस ये अल्लाह ताला ने एक निशान कर रखा है कि फिर उस कौम की पकड़ होती है फिर अल्लाह का फैसला ज़ाहिर हो जाता है ये मालूम होता है कि सैद नानू अस्म ने यह महसूस फरमाया और ये कहा कि मैं ये समझ रहा हूँ कि अब मेरा यहाँ रहना मेरा बात करना मेरा दावत के लिए खड़ा होना ये सब अब तुम्हें गवारा ही नहीं रहा यानी अब इख्तलाफ़ इतफ़ाक़ से बात बहुत आगे चली गई है तो उन्होंने कहा कि तो सुन लो फ्ला ही तवक्ल तो कि मैंने अल्लाह ही पर भरोसा किया यानी मैं तो बहरहाल तनहा खड़ा हूँ उस परवरदिगार के अतबाद पर खड़ा हूँ जिसने मुझे मबूस किया है मेरा भरोसा उसी पर है मुझे अपना काम उस वक्त तक करना है जब तक उसकी तरफ से इन किताब का हुक्म नहीं आ जाता मुझे तो सब्र के साथ फ़ैसले का इंतज़ार करना है और तुम्हारे रवैयों पर मेरा सारा एतमाद भी उसी हस्ती पर है अब तुमने जो करना है फिर वो कर लो यानी अगर मेरा वजूद गिरा हो गया है तो जो तुम करना चाहते हो वो करो मेरा परवरदिगार जो करना चाहेगा वो करेगा मुझे उसने भेजा है अगर उसका मंशा यही है कि मेरा सर चाहिए और वो दे देना चाहता है तो मैं भी हाजिर हूँ और अगर मेरे लिए नजात का वादा है तो वो उसकी वर्दी नहीं करेगा इसलिए मेरा तो तमाम भरोसा उसी पर है तो फरमाया कि फाज में हुरकुम तुम सब मिलकर अपनी बात ठहरा लो तय कर लो क्या करना है मेरे साथ यानी मैं तो अपनी ज़िम्मेदारी के लिए मबूस हूँ मैं वो करता रहूँगा दावत मुझे पहुँचानी है तस्कीर मुझे करनी है तवज्जो मुझे दिलानी है अल्लाह की आयतें पढ़ कर सुनानी है मैं तो ये काम करता रहूँगा जब तक ऊपर से हुक्म नहीं आ जाता कि अब इसको बंद कर दिया जाए अब तुम्हें मेरा वजूद गिरा गुजर रहा है और तुम कुछ करना चाहते हो मेरे खिलाफ तो तय कर लो क्या करना चाहते हो और मज़ीद कहा कि आज व व अमरकुम व शुरु यानी अपनी बात भी सब ठहरा लो सब मिल के फैसला कर लो और अपने शरीकों को भी साथ मिला लो सलाय अमरकुम गुम फिर तुम्हारे इस फैसले में तुम्हें कोई तरद न रहे यानी सोच लो समझ लो पूरे एतमाद के साथ मैं भी खड़ा हूँ तुम भी फैसला कर लो आखिरी राय जो भी कायम करनी है अब अगर आखिरी मार के का वक्त आ गया है तो फिर तुम्हें भी सोच समझ कर जो करना है करने के लिए तैयार हो जाओ मेरा रब भी जो चाहेगा वो करेगा तो फरमाया कि सो मकजू ही फिर मेरे साथ जो करना चाहते हो कर वाला तुम जरूर और मुझे मोहलत न दो यानी अब तुम्हारी तरफ से मामला फिर ख़त्म हो जाना चाहिए तुम अपना इकदाम करो ये वक्त है कि जिसमें तो या पैगंबर भी ये समझता है कि अब मेरा वक्त पूरा हो रहा है मैंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी कौम अब आखिरी दर्जे में जो करना चाहती है कर गुजरे ताकि मैं भी अपनी ज़िम्मेदारी से सबक हो हूँ मेरे रब ने जो फ़ैसला करना है वो फिर सामने आ जाएगा तो ये आखिरी मरल की गुफ्तु है यानी इतम हजत के मरले में और बारात के मरहल में फिर पैगम्बर इस तरह की बात करता है तो ये यहाँ से क़ुरान ने ये सरगुजश शुरू की है फ़रमाया फ़ैन तवलई तुम फर्मा साल तो कम मिनाजर इसके बाद भी अगर एराज़ करोगे यानी मैंने तो मौका दे दिया तुम्हें मुझे मोहलत ना दो और जो फ़ैसला करना कर लो लेकिन ना इधर आओगे ना उधर जाओगे और मो मोड़े रहोगे और अपनी इस ग्राम बातीय खातर का इजहार करते रहोगे तो मेरा क्या नुकसान है मैंने तुमसे कोई सलाह तो नहीं मांगा यानी मुझे क्या फ़र्क़ पड़ेगा मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ अपने परवरदिगार के हुजूर में सिले के लिए उसमें कोई मुझे अंदेशा ही नहीं है कि नहीं मिलेगा तुमने जो करना है उसका इंजाम भी उधर ही से तय होना है और उसका फैसला साजिर हो जाना है तुम भी कर लो मैंने तुमसे कोई सिला नहीं मांगा कि मुझे ये अंदेशा हो कि इसके नतीजे में मैं दुनिया की किसी नमत से महरूम हो जाऊँगा ये मेरा मसला नहीं है तो इसकी ये मामला बिल्कुल सादा है मुझे अपना काम करना है तो मैं अपना काम करना है इन नजरी मेरा सिला तो अल्लाह के जिम्मे है यानी मेरा भरोसा उस पर सिला उसके ज़िम्मे उसने मुझे मबूस किया है पैगंबर यहाँ खड़े होकर अपनी कौम से बात करते हैं और मुझे हुक्म दिया गया है वह उमिर तो न कून के खुदा का फर्मा बरदार बन रहूँ यानी उन्होंने गोया आखिर में भी ये बता दिया कि मेरे सामने तो इस्लाम की दावत है सबसे पहले मैं उसके सामने सरफ़ गंदा हुआ हूँ मैंने उसको माना है मैं इसी की दावत तुमको दे रहा हूँ अब फैसला तुम्हें करना है मैं बहराल ज़िंदगी के आखिरी मरले तक या जब तक खुदा का फैसला मेरे लिए नहीं आ जाता यही काम करूँगा तो फरमाया कि ये गुफ्तु बड़ी झंझोड़ देने वाली थी बहुत तवज्जो दिलाने वाली थी इसके बाद कुछ लोगों को देखना चाहिए था कि ये तो आखिरी दर्जे की संजीदगी पे खड़े हैं और अपनी दावत इस तरह पेश कर रहे हैं फिर ये हकीकत है कि इन्होंने हमसे कोई सलाह नहीं मांगा किसी चीज़ का कोई नतीजा हमारे साथ मुतलक नहीं किया पूरी ज़िंदगी अपने रब के लिए उसकी खुशनुदी के लिए गुजार दी है सैकड़ों साल की जद्दोजहद के बाद भी यही कह रहे हैं कि इन नजरिया अल्लाह मेरा अजर तो मेरे ही के ज़िम्मे है तो हम गौर करें लेकिन कुरान कहता है कि ऐसा नहीं हुआ फकज़बू जबू। इस पर भी उन्होंने उसे जुटला दिया यानी ये आखिरी बात भी मैसर नहीं हो सकी जवाब में तकजीब हुई जुटला दिया गया बात मानने से इनकार कर दिया गया फनजी फिल माहक तो हमने उसको नजात दी और उनको भी जो उसके साथ कश्ती में थे अब अल्लाह का फ़ैसला सादिर हो गया और फिर ये मालूम है कि एक अजीम तूफ़ान उबल पड़ा जो उस पूरी कौम को बहा कर ले गया ये बयान किया है कि उस मौके पर हम अपने पैगंबरों को गालिब रखते हैं यानी वो उस अजाब की ज़द में नहीं आते उनके लिए निजात उनके लिए बशारत होती है तो हमने नूह को भी निजात दी और उसके साथियों को भी थी तो हमने उसको नजात दी और उनको भी जो उसके साथ कश्ती में थे और व जालना हम खलाइफ और उन्हें जानशीन बनाया यानी वो कौम बर्बाद हुई गरकाब हुई और उसकी जगह ज़मीन की बादशाही इनको मिल गई यानी जो लोग बचे वही थे कि जो फिर बिला शिरकत गैरे उन इलाक़ों पर काबज़ भी हुए उनका नज़म भी कायम हुआ वो सब बस्तियाँ मिट गईं सब ताल्लुक ख़त्म हो गए वागरकनज़ी नक जबूब आयातना और जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया था उन सब लोगों को गर्क कर दिया उनमें से कोई भी बाकी नहीं बचा इरशाद हुआ फ़न फ़काना आ के बतुलमनजरीन सो देख लो कि उनका अंजाम क्या हुआ जिन्हें इस शाबाब से पहले मुतनबे कर दिया गया ये अल्फाज क्यों आए हैं ये बताने के लिए आए हैं कि इस कायदे को सामने रखो कि इस तरह का अजाब इस्तीसाल तंबी के बग़ैर नहीं आता और ये तंबी अल्लाह ताला आम लोगों के ज़रिए से नहीं करता इसलिए कि वो ग़लती कर सकते हदूद से तजावज़ कर सकते बात में कोई कमी बेशी पैदा कर सकते इसके लिए वो अपने पैगम्बरों को महूस करता है उनके एक एक लफ्ज की निगरानी करता है वो उसकी हिदायत के तहत जैसे कि दूसरी जगहों पर है कि इन न का ब्याज उन्हें ना हमारी आँखों के सामने वो ये सब ज़िम्मेदारी अंजाम देते हैं और उसके बाद यानी इस तमबीह के बाद फिर जो अंजाम होता है फरमाया ये ज़रा देख लो तो ये गोया तारीख से इस्तलाल करके क्रैश को जो सूर्य के मुखातबीन है ये बताया गया है कि तुम्हारी तरफ़ भी अल्लाह का रसूल आ चुका है तो क्या तुम उनसे कोई मुख्तलफ हो जब रसूल के ज़रिए से इंतजार कर दिया जाए कई फकाना आके मुनज़रीन, जिनको ख़बरदार कर दिया जाए इंतजार कर दिया जाए उनका अंजाम ये हुआ करता है तो फरमाया कि ये देख लो तारीख में तुम जानते हो सुम्मा सम अबासन इम बाही रसलन लला कौम हिम फिर नूह के बाद हमने कितने रसूलों को उनकी कौमों की तरफ़ भेजा यानी फिर पे दर पे हर कौम में रसूल आते रहे नू असल्लाम की अदालत पहली अदालत थी पहली मर्तबा अल्लाह ताला की सुन्नत का ज़मीन पर ज़हूर हुआ और उनके ज़रिए से एक कौम गरक हुई उसे दुनिया में सज़ा दी गई और ईमान वालों को अल्लाह ने नजात दी गलबा अता फरमाया उस कौम की जगह जानशीन बनाया और फिर दुनिया की नमतें भी अता फरमाईं तो यहाँ से पदा करके फिर बिलजमाल इरशाद हुआ कि एक नहीं दो नहीं कितने ही हमने रसूल उसके बाद कितनी ही बस्तियों में भेजे सुम बासनवे ही रसुलिला कौम हिम फिर नूह के बाद हमने कितने रसूलों को उनकी कौमों की तरफ़ भेजा फ जाऊ हम बिलबैनात वो खुली खुली निशानियाँ लेकर उनके पास आए ये बिलबैनात आते हैं इसको मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर कई यालीब में अदा किया है कीजिए। अल्लाह ताला की उनके साथ माइत का ज़हूर होता है ये ज़हूर कभी मौजात की सूरत में होता है कभी पेशीन गोइयाँ हैं जिनके मिस्ताक सामने आ जाते हैं कभी फ़त नुसरत की बशारत दी जाती है और वो बैन ही पूरी हो जाती है तो दसियों सूरतें हैं जिनमें ये निशानियाँ सामने आती हैं लेकिन फरमाया कि वह आए फमा कानून जुमिन बेमांकब बही मिन कबल मगर जिस चीज़ को पहले जुटला चुके थे उसे फिर उन्होंने मान कर नहीं दिया यानी कोई मुजज़ा कोई खुदा की माइत का ज़हूर ये तंबीह का बायस नहीं बना जिस चीज़ को पहले जुटला दिया फिर ज़िद्द में आ गए सबसे बड़ी बीमारी जो इंसान के साथ लगी हुई है वो ये यानी वो अगर कोई जहनी फिक्री सियासी समाजी मजहबी रवैया कायम कर ले तो अपने इस्तदलाल का असीर होकर रह जाता है और फिर एक वक्त आता है कि वो उसके लिए उसकी अनानियत का मसला बन जाता है वो फिर ईट रोड़े उठाकर इस बात करने की कोशिश करता है अपनी हमारतों का तो यही हुआ फरमाया कि फिर वो उनको कोई चीज़ यानी फिर पर्दा भी उठा दिया जाए तो कुछ नहीं होता फिर मान नहीं दिया उन्होंने तो फरमाया कि कदाकर नतबो वाला कलूबिलमोतदीन हम हद से गुजर जाने वालों के दिलों पर इस तरह मोहर लगा दिया करते हैं यानी मोहर ऐसे नहीं लगती इस जिद की पादाश्त में लगती है ये जुर्म है जिसके बाद अल्लाह ताला इंसान की तबीयत पर असरानंदाज़ हो जाता है कि फिर बात किसी जगह से उसके अंदर घुसती ही नहीं तो इससे पीछे भी बाज़ चीज़ें हैं जिनके ऊपर बाज हवाशी हैं उनको हम इनशा अगली नश्त में पढ़ेंगे अकूल व कौली हाजा वस्त फिर बसमलर रहीम ये मुस्न्द अहमद की एक तवील रवायत है जिसका रकम सत्रह हज़ार एक सौ चवालीस है इसका एक बड़ा हिस्सा हम पढ़ चुके हैं रवायत के आखिर में मेरे सालत में आप ने बाज मजीद चीज़ों की तरफ़ तोज्जो दिलाई है इसमें जो आखिरी बात कही गई थी और जिसमें मैंने ये अर्ज़ किया था कि बहुत काबिल तवज्जो चीज़ें हैं वो ये कि जो नज़म भी दुनिया में रियासत का कायम होता है ये पैदा तो इंसान की ज़रूरत से हुआ है यानी कोई अलाही हुक्म नहीं है इंसान इसके बगैर भी ज़िंदगी बसर करते रहे हैं जंगलों में कबाइल में ये उनकी मर्जी है लेकिन जिस वक्त वो तमद्दनी ज़िंदगी इख्तियार करते हैं तो रियासत या नज़म रियासत की ज़रूरत पैदा हो जाती है ज़रूरत बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि पेट लगा हुआ है तो माशी जद की ज़रूरत पैदा हो जाती है यानी इसके लिए किसी खुदाई हुक्म की ज़रूरत नहीं है हर शख्स को ये ज़रूरत लायक होती है वो अपने लिए रोटी का सामान करना चाहता है अपनी ज़रूरियात को पूरा करना चाहता है तो बाहर किसका दिल नहीं चाहता कि इत्मीनान से बैठकर चाय का कप पिए और सोए या कुछ पढ़े लिखे आराम करे निकलता है बाहर जद्दोजहद करता है सफ़र करता है दूसरी जगहों पर जाता है ये सारी मशक्क़त इसलिए उठाई जाती है कि उसे अपनी ज़रूरियात पूरी करनी होती है। बिल्कुल इसी तरह से इंसान को इरादा और इख्तियार दिया गया है उसका सुए इस्तेमाल होता है उससे जरायम वजूद में आ जाते हैं इस सब को रोकने के लिए और इज्तमाही ज़िंदगी के मसाइल को हल करने के लिए लोगों ने रियासत का नज़म पैदा किया है ये इंसानी ज़रूरतों से पैदा हुआ है लेकिन ये जब पैदा हो जाता है तो जिस चीज़ को हदफ बनाता है वो क्या है फसाद इख्तलाल इसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी यही है यानी बाकी जितनी चीज़ें हैं उनमें से बहुत इस्तेबाब की चीज़ें यानी करें ठीक है ना करें तब भी फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन अमन कायम करना लोगों को जुर्म से बाज रखना लोगों को बदअमनी से महफूज रखना इख्लाल से महफूज रखना सोसाइटी में नजम कायम रहे और लोग अपने अपने तरीके पर आज़ादाना जद्दोजहद कर सकें हकूमत या रियासत इसलिए वजूद में आई ये उसका बुनियादी मकसद है यानी इसको पूरा करने के बाद वो दस चीज़ें और करे लेकिन अगर ये नहीं कर पा रही तो फिर वो कोई रियासत नहीं है यानी उसकी ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है उसकी बुनियादी इस पर रखी गई है इसके बाद जब ये इंसान ये ज़रूरत पूरी करता है तो जैसे वो माश्क की जोद के लिए निकलता है तो फिर अल्लाह का दीन बताता है कि उसमें किन अखलाकी उसूलों का ख़्याल रखना है इसी तरह रियासत और खिलाफत जो भी कहिए वो पैदा तो अल्लाह ताला ने जो इंसान के अंदर ज़रूरियात रखी हैं उनसे है पैदा हुई है लेकिन जब वो वजूद पजीर हो जाती है तो फिर इस्लाम का हुक्म ये है कि उसमें मैं आप अगर हम दीन के मानने वाले हैं तो कोई इख्तलाल पैदा ना करें इसलिए इनकलाब का लफ्ज़ ही इस्लाम के लुत के लिए अम्बिया की हिदायत के लिए एक अजनबी लफ्ज़ है इसका कोई तस्वर नहीं है कोई इख्तलाल कोई कानून शिकनी नहीं होनी चाहिए जो कुछ भी तब्दीली लानी है उसका एक ही तरीका और वो ये कि वो लोगों के जहनों को तब्दील करके लाई जाएगी उसके लिए पुरन राखतीयार किए जाएँगे उसके लिए कानून के हदूद को मलहूज रखा जाएगा नज़म में इख्तलाल पैदा करना या लोगों के जानो माल को ख़तरे में डालना उनके रास्ते बंद करना उनके लिए तकलीफ़ का बायस बनना उनके लिए आज़ार का बाइस बनना ये चीज़ नाकबिल कबूल है हमारे दिन में तो इसलिए सल्लम ने पाबंद कर दिया है मुसलमानों को और उसमें ये मिसाल दी है कि बंद मोमिन को हकूमत और कानून के मामले में उस ऊँट की तरह होना चाहिए जिसकी नाक दुख रही और उस पर माह डाली गई है यानी वो अदना दर्जे में भी किसी खिलाफ वर्जी या सरकशी का तस्वुर नहीं करता बल्कि जिस तरफ खींचा जाए जाता है जिस तरफ खींचा जाए यानी कानून की पाबंदी में कायदे की पाबंदी में और उसमें फिर बाज़ दूसरी जगहों पर यह फरमाया कि चाहे तुम तंगी में हो आसानी में हो रगबत के साथ ये करो रज़ा के साथ करो बेदिली के साथ करो तुम्हारे हुकूक़ ना दिए जाएं, कानून शिकनी नहीं करोगे ये पाबंद हो तुम इस बात के क्योंकि इंसानी जाने तुम्हारी इन सब चीज़ों से बाला तर हैं उनको ख़तरे में नहीं डाला जा सकता तो जो कुछ करना है वो पुरमन जराए से होगा इसीलिए जब दुनिया ने यह तरीका याद कर लिया कि सियासी नजात का फ़ैसला पुरान तरीके से हो जाएगा यानी ये जमूरीत क्या है ये कुछ भी नहीं है लोग इसमें बेमानी बाहसें करते हैं कि लोगों को इकतदार मुंतिल हो गया है ये, ये लोगों की हुकूमत है कुछ भी नहीं अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर नज़्म हकूमत को चलाने के लिए जो लीडरशिप पैदा करता है ज़ाहिर है उसमें नज़ा होगी मैं ज़िम्मेदारी संभालूंगा ये आप उस नजा का फैसला पहले पानीपत के मैदान में होता था अब उसको हम पुरन तरीके से कर लेते हैं असलन ये इस क़ानून पर कायम है तो मन तरीके से फ़ैसले के लिए जो जबता इख्तियार किया गया है वो इसीलिए बहुत काबिल कबूल और बहुत पसंदीदा है कि खुद हमारे दीन की तालीम भी यही है कि लोगों को किसी हाल में ख़तरे में ना डाला जाए तो ये तो वो बात थी जो इससे पीछे बयान हो गई उसमें कुछ मज़ीद वजाहत मैंने कर दी अब हुजूर ने उसी मौके पर मज़ीद क्या कहा सो मतबे रहो तुम में से जो भी मेरे बाद ज़िंदा रहेगा बड़े इख्तलाफात देखेगा यानी अपने बात के बारे में आपने फ़रमाया कि मेरी शख्सियत की वजह से ये चीज़ एक अदना दर्जे में तमाम बड़े लीडर रहनुमा जो दुनिया में पैदा होते हैं उनसे भी हो जाती है यानी वो एक तरह की वहदत बन का ज़रिया बन जाते हैं लोगों को उन पर अहतम होता है चुनाचे पार्टियाँ जमातें बरदरी कौमें एक बड़ी लीडरशिप के तहत बेलमूम अख्तराक में मुबला नहीं होती तो रिसालत में आप का आखिरी पैगम्बर तो आपके ज़माने में तो आपकी शख्सियत नज़ात से बाल तर कर देती थी सोसाइटी को लेकिन आपने फ़रमाया कि मेरे बाद अख्तलाफात होंगे मैंने लिखा चनाचे यही हुआ और ये इख्लाफा नबी वसम के दुनिया से रुख़त होते ही सामने आ गए यानी जैसे ही हजूर दुनिया से रुखसत हुए तो ये मालूम है आपको कि सकीफ़ा बनी सायदा में कुरैश के और अनसार के माबैन इख्तलाफ हुआ निमटा लिया गया आसानी से हल निकाल लिया गया बड़े जमहूरी तरीक़े से निकाला गया लेकिन हुआ इनकी पदा यानि इन इख्तलाफात की पदा अगरचे सियासी नोयीत के बाद इख्तलाफात से हुई मगर ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा कि इन्होंने मजहबी इख्तलाफात की सूरत इख्तियार कर ली मैंने अगर देखें तो हमारी तारीख़ में ये जो हुजूर ने फरमाया था कि मेरे बाद जल्द इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे, तो इब्ता मजहबी इख्तलाफात से नहीं हुई इब्ता सियासी इख्तलाफात से हुई यानी कुछ सियासी फैसले थे कि जिनसे एक गिरोह को दूसरे गिरोह से इख्तलाफ हुआ बड़े बड़े गिरोहों में इख्तलाफ हुआ तो सियासी इख्लाफा ने आहिस्ता आहिस्ता मजहबी इख्लाफा की सूरत इख्तियार कर ली ये कैसे होता है जाहिर है कि सियासी अख्तलाफ हैं मुसलमानों के दरम्या में है अब किसी न किसी को उसके साथ मजहब का कुछ पैवन लगाने की ज़रूरत पेश आ जाएगी वो पैवन कोई हदीस सुना के लगाएगा कोई फ़जाइल की रवायत सुना के लगाएगा कोई कुरान की कोई आयत पढ़ के उससे लगाएगा तो ये जैसे ही ये पैवन लगाया जाता है तो फिर उसके नतीजे में मजहबी बहस यानी सियासी बहस मजहबी बहस में तब्दील होना शुरू हो जाती है अगर आप अपनी इब्तई तारीख़ पढ़ें तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ चुनाचे सियासी इख्तलाफ़ात मजहबी इख्तलाफ़ात की सूरत अख्तियार कर गए और उन सब फ़िरकों की पैदाइश का बायस बन गए जिन्हें अब हम शिया सुन्नी और ख़वारिज वग़ैरह नामों से जानते हैं ये शिया सुन्नी और ख़वारिज जो बिल्कुल इब्त में तीन बड़े गिरोह बने हैं या तीन बड़े फ़िरके लें बने हैं आप देखिए इनकी पदा सियासी अख्तलाफात से हुई और सियासी अख्लाफात ने बेतदरीज मज़बी इख्लाफा की सूरत इख्तियार की यानी सियासी इख्तलाफ पैदा हुआ सबसे पहले खवारिज के यहाँ सबसे पहला इख्तलाफ़ उन्होंने किया अब जाहिर है कि उसकी तारीख सुनाने का ये मौका नहीं है मैंने इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तु आस्ट्रेलिया में एक वर्कशॉप में की है वो आप देख सकते हैं कि ये फिरके कैसे पैदा हुए इनका बुनियादी इख्तलाफ क था इनमें सियासी अख्तलाफा की पदा कैसे हुई और फिर उसके बाद वो मजहबी इख्लाफा में कैसे बदले यानी मुसलमानों के यहाँ जब सियासी इख्तलाफ पैदा होगा तो या लीडर आगे बढ़ के कहीं मजहब का पैवंद लगा देंगे या पैरोकार लगा देंगे उसके बाद फिर वो मजहबी इख्तलाफ में तब्दील होता चला जाता है तो ये मामला हुआ ये बड़ी अहम रवायत है इसमें अभी और कुछ बहसें बाकी हैं इनको अगली किसी नशस्त में देखेंगे अब वक्त हो गया अकूट और कौली हाजा बस्तर अब दस मिनट का वक्फ है इसके बाद सवालों के बसमी अल्लाम गांधी साहब के साथ हफ्तावर सवालों जॉब की बरह रास्त नश्त को लेकर डायलिस अमरीका गांधी सेंटर से हाजिर ख़िदमत है। हैं आगाज़ करते तो गांव साहब शुक्रिया आपके वक्त का काफ़ी तवील तबादला ख़्याल का सिलसिला जारी है हदीस के हवाले से जो आपका नुतः नज़र है जो कुछ इश्लात एतराज़ात बिलुमूम हमारे उलमा की जानब से किए जाते हैं और आपके मौक़ को समझने की एक तालमाना कोशिश भी है चाहते हैं कि आप अपनी बातों को मजीद वजाहत से बयान करें उनकी तोज़ी भी हो ये नुक़ात ज़र बहस आ चुके आपका मौक़ वाज है कि रहाम पर शर वजाहत की कोई दीनी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आयद नहीं की थी कुरान मजीद की वो दोनों आयात ली तबैयन लनास से क्या मुराद है और फिर तालीम किताब से क्या मुराद है ये भी ज़ेर बहस आई मौजू को आगे बढ़ाकर आज हम बहुत ही अहमियत की हामिल गुफ्तू का आगाज़ आपसे करने जा रहे हैं और मैं हमेशा की तरह चाहूँगा कि ठंडे दिलो दिमाग से जिस तरह आप तुम का हाथ पकड़ के उनको समझाते हैं कि बात है क्या समझने की कोशिश करें एक इशकाल है एक इबाम है जो बाहर लमा के दायरों में पैदा होता है आपने हदीस की इस हैसियत को वाजे करने के बाद चंद जुमले लिखे हैं वो जुमले लोगों को समझ में नहीं आते जुमले ये हैं कि इस दायरे के अंदर अलबत् इसकी यानी हदीस की हजत हुज़, हर उस शख्स पर कायम हो जाती है जो इसकी सेहत पर मुतमिन हो जाने के बाद कौल वॉलोफेल या तकरीर तसीब तो की हैसियत से इसे कबूल कर लेता है इससे नराफ फिर उसके लिए जायज़ नहीं रहता बल्कि ज़रूरी हो जाता है कि आपका कोई हुक्म या फैसला अगर इसमें बयान किया गया है तो उसके सामने सर तस्लीम ख़म कर दे सवाल आज की नशस्त में ये है जिम्मेदारी रसुल्ला पर नहीं है आपने बता दिया इनायत है आपकी लेकिन दूसरी तरफ इतना बड़ा दावा और मेरे ईमान की बुनियाद करार दिया जा रहा है कि मुझ तक बात पहुँचेगी तो मानना ज़रूरी है क्यों ज़रूरी है इस वक्त तक जो कुछ हमने अर्ज़ किया है उसका एक मखसर ख़ुलासा कर लीजिए आम तौर पर लोग पीछे की पूरी बात नहीं सुन रहे होते तो बाज़ जुमलों से गलत फैम मुब्तला हो जाते हैं यानी बयान ये किया गया है कि अल्लाह ताला ने जब ये दीन हमें दिया है इसकी बिना तो इाम फितरत पर है लेकिन फिर अल्लाह ताला ने यह इनायत फरमाई कि अपने पैगंबरों के ज़रिए से इस दिन की तमाम तफसीलात भी वाज़ ये बात भी हम कई मरतबा बयान कर चुके हैं कि ये तफसीलात दो सूरतों में हैं एक ईमान व अखलाक के बबाई जिनको कुरान अपनी असलाह में अलक्मा कहता है दूसरे शरीयत। ये सब पैगंबरों की वसातत से मिला है पैगंबरों का ये सिलसिला आदम अल्लाम से शुरू हुआ मोहम्मद रसोल्ल वल्लम इस सिलसिले के आखिरी पैगम्बर हैं चुनाचे अब दिन का तनहा माखज़ रसालत माँ आप सलील वल्लम मोहम्मद रसोलसम की ज़ात वाला से बात है यानी वो चीज़ जिसको आप दीन कहेंगे उसके लिए आपको इसतलाल आप ही की जात से करना होगा दीन का तनहा मस्तर अब आप ही हैं यानी जो अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में हिदायत वदीयत की थी वो अपने इजमाल को तफसील में तब्दील करके अब पैगंबर की हिदायत बन चुकी है तो अब तनह माखज़ की हैसियत हुजूर को हासिल है इस हैसियत से रसूलुल्लाह रसूल ने हमें दो चीज़ें दी एक कुरान दूसरे सुन्नत कुरान अल्लाह की किताब की हैसियत से दिया यानि उसकी नौीयत बिल्कुल अलग है अल्लाह का कलाम है अल्लाह के अपने अल्फ़ाज़ में है जैसे अल्लाह ताला ने उसको दिया जबरील अमीन ने उसी तरह उसको अक्स किया और लफ्स बलफ़ रसोल्ला वसलम तक पहुँचा दिया और रसोल्लाम्म ने लफ्स बलफ़ उसको आगे लोगों तक मुंतकिल कर दिया और अब ये उनके इजमा और तवाुर से नस्ला बा नसला मुंतकिल हो रहा है दूसरी चीज़ सुनत मैंने उसके बारे में भी बताया कि ये असल में क्या है ये पैगंबरों की दीनी रवायत है यानी अल्लाह ताला ने जो दीन देना शुरू किया था उसमें तमाम अबली नोयीत की चीज़ें अमली नौत की तमाम चीज़ें वो एक रवायत बन चुकी थी रवायत को आप सुन्नत के लफ से तबीर कर लें ये वो हिदायत है कि जो पैगंबरों की हिदायत की हैसियत से कुरान में इसी तरह बयान हुई और फिर कहा गया कि ये पैगम्बर हैं जो ये हदायत ले आए थे फ़ब हदा अब आप इनकी हिदायत की पैरवी करें यही हिदायत है जो रसालत बा के पस मंजर में दीन इब्राहिमी की रवायत कहलाती थी क्योंकि सरजमीन अरब में अल्लाह का हरम इब्राहीम ने बनाया अपने बेटे को वहाँ आबाद किया तो ये सब लोग उनकी औलाद थे असला दूसरे बाज़ कबाइल भी आए लेकिन असला ये लोग इसमायल की औलाद थे तो इसमा स्माम ने जो दावत पेश की वो ज़ाहिर है कि वही दावत थी जो सब पैगम्बरों की दावत है जो सुन्नत कायम की वही सुन्नत थी ये सुन्नत बड़ी हद तक जिंदा थी इस पर लोग अमल पैरा थे इसमें कुछ बिदतें दाखिल हो गई थी बात चीज़ें मुर्दा हो गई थी रसालत में आप ने इसकी तजदीद की इसकी तरमीम असलाह की और इसे आगे जारी कर दिया ये दोनों चीज़ें क्या हैं ये दीन का कंटेंट है दीन के महतवियात हैं यानी कुरान पूरा का पूरा और सुन्नत इसके लिए हमें रजू करना है ये हुजूर ने हमें दे दिया वो चीज़ जो ज़ैर बैस थी वो ये थी कि फिर ये रवायतों में जो कुछ बयान हुआ है ये क्या है यानि कुरान तो मुसलमानों के इजमा और तवातुर से एक मुसफ़ की शक्ल में मुसलमानों के हाथों में मौजूद है सुनत उनके इजमा और तवाुर से इस उम्मत के तामुल में मौजूद है और सारा इल्म को मानता है तो फिर ये जो रवायतें हैं जो बयान की गई हैं पहले ये कि ये बयानी क्यों करनी पड़ी यानी लोगों को जमाई क्यों करना पड़ा इनको लोगों ने तसनीफ़ा में क्यों बदला और फिर ये कि इनकी हैसियत क्या है तो ये जहाँ से आपने इकतबास पढ़ा है वहाँ मैंने ये लिखा है कि ये दीन में किसी अकीदे या अमल का इजाफ़ा नहीं करती या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए के दीन के मशमूलत के महतवियात में असल कोई कमी बेशी नहीं करती बल्कि ये अपनी नौीयत के लिहाज से तफीम तबीन है कोई बात समझाई है हजूर ने किसी सवाल का जवाब दिया है किसी इश्काल को दूर किया है तो गोया या कुरान से मतलब कोई बात समझाई है या सुन्नत के बारे में कोई बात समझाई है तो क्या चीज़ है ये तफीम तबीन यानी यह सुनत की या कुरान की अच्छा इसमें अगर उस पर हंसना पर अमल हो रहा है तो वो भी आप अगर गौर करके देखें तो एक नौीय की अमली तफीम है यानी अगर उसको हमारे ज़ाविये से देखें यानी हुजूर तो अपने जाविये से अपने परवरदिगार की खुशनुदी के लिए एहसान के दर्जे में उस पर अमल फरमा रहे हैं लेकिन मेरे लिए वो भी तफीम बन जाती है देखने वाले के लिए तो ये अगर एक लफ्स में अदा करें तो सब तफीम तबीन है इसी इस तफीम तबीन के जैल में वो बहस पैदा हो गई जो हमने पिछली नशस्त में ख़त्म की है कि क्या ये तफीम तबीयन रसोल्लासम पर फ़र्ज थी आपकी ये मनसबी ज़िम्मेदारी थी तो मैंने ये बताया कि ये हरगज़ आपकी कोई मनसबी ज़िम्मेदारी नहीं थी ये आप पर कोई फरीजा नहीं आयद किया गया था बल्कि ये काम आपने राफ़त और रहमत से किया ये रसोल वसम की इनायत थी यानी आपने अगर किसी चीज़ को समझा दिया बतौर ख़ुद समझा दिया या किसी के सवाल के जवाब में समझा दिया अब समझा दिया दो पहलुओं से होगा या मतन का मुद्दा समझाया जाएगा या असल का इतलाक़ समझाया जाएगा मतन के मुद्दा को जब समझाते हैं आप तो शरा पैदा होती है और जब असल का इतलाक़ समझाते हैं तो फरा पैदा होती है एक से हमारे वो वोलूम पैदा होते हैं जिनमें तफसीर का इल्म है मिसाल के तौर पर और दूसरे से वो इलूम पैदा होते हैं जिनको मसला फ़िका कहते हैं तो ये सारी तफीम तवीन भी अगर आप देखें तो या शरा होगी या फरा होगी जो कुछ भी आप बयान फरमाएँगे ये जो शरा और फरा है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है गौर करके देखिए ना क्यों ज़रूरत पेश आती है कुरान मजीद एक वाज किताब है सुन्नत आपने जारी कर दी क्यों ज़रूरत पेश आती है इसलिए कि जब किसी वाज से वाज किताब को या वाज से वाज़ अमल को भी आप इंसानों से मतलब करते हैं तो इंसान के साथ दो बीमारियाँ लगी हुई हैं और पैदाइशी जब तक इंसान न रहे हमारी सारी जद्दोजहद दुनिया में असल में उन दो बीमारियों से लड़ने में होती है एक क़िल्लत इल्म दूसरी क़िल्लत तदबुर यानी बात तो बिल्कुल वाजे थी लेकिन हम अपना इल्म उसके मुताबिक नहीं लाते और बजाय इसके कि अपना इल्म बढ़ा के चीज़ को समझें जिस जगह खड़े होते हैं वहीं हुक्म लगाना शुरू कर देते हैं अच्छा इसी तरह इल्म तो है सीखा भी है अपना इल्म उस जगह पहुंचाया भी है ये जो हम दरस निजामी में बहुत सेलूम आलिया पढ़ते हैं किस लिए पढ़ते हैं यानी अपने आप को उस सतह पर लाने के लिए जहाँ हम अल्लाह की किताब को समझ सके सतह पर समझ सकें तो ये सारी तैयारी भी की है अपनी तरफ से इल्म में कोई कमी नहीं की लेकिन इंसान के अंदर एक गफलत स्यारी है एक तरह का तकास है चनाचे क्या होता है क़्लत तदब्बर पैदा हो जाती है गौर नहीं किया कंसंट्रेट नहीं किया गौर न करने में बाज़ उसूली मेंदात भी असरअंदाज हो जाते हैं यानी अगर तकास और तगाफुल नहीं भी है तो ये चीज़ भी असरानंदाज हो जाती है इसकी तरफ़ मैंने बार बार तवज्जो दिलाई इस सारी बहस में कि लफ्ज़ का इस्ता करने में गलती हो गई एक मानी की तरफ आपकी निगाह थी लफ्ज़ दो चार और मानी में भी बोला जाता था देखा ही नहीं जुमले की तालीफ़ के बारे में गौर नहीं किया कि उसके अंदर क्या नुदरत थी जो तजरीद का अमल कर रही थी स्याको सबाक को नजरअंदाज कर दिया तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आप किल्लत तदब्बूरी के जाल में रख सकते हैं तो ये बीमारियां इंसान को लगी हुई हैं ये देखिए कि इसका नतीजा क्या निकलता है यानी जब मैं किसी वाजे से वाजे चीज़ के बारे में किल्लत इलम की बुनियाद पर या क़्लत तदब्बर की बुनियाद पर कोई चीज़ पैदा करता हूँ तो कोई राय कायम करूँगा ना या किसी मतन की शरा में कायम करूँगा या किसी असल की फरा में या उसके इतलाक़ में कायम करूँगा ये जैसे ही मैं कायम करूँगा तो इसके मुकाबले में क्या चीज़ आएगी कोई दूसरा आदमी जिसने किल्लत इलम का भी इलाज किया हुआ और क़िल्लत तब्बर का भी फौरी तौर पर मुझसे इख्तलाफ़ करेगा ऐसा ही होना चाहिए ना तो इसका मतलब यह है कि तफीम और तबीन हो ही नहीं सकती इसकी ज़रूरत ही नहीं पेश आती जब तक हम किसी मतन या किसी असल को महल अख्तलाफ नहीं बना लेते यानी महल अख्तलाफ वो नहीं होती हम अपनी इन कमज़ोरियों की वजह से उसको महल अख्तलाफ बना लेते हैं तमाम इख्लाफा के अंदर अगर आप उधर के देखें तो आला कलाम में ये पैदा ही यहाँ से होते हैं या क़िलत इलम से हो रहे होंगे या क़िलत तदब्बुर से पैदा हो रहे होंगे पैदा लाजमन हो जाएंगे यानी अगर एक आदमी रसूलुल्लाह के साथियों में से आके सुबह के वक्त ये कहेगा कि मैं तो अपने तकिए के नीचे एक काला और सफ़ेद धागा रख के लेट गया था और क़ुरान मजीद की जो सूरह बकरा की आयत है उसका मतलब ये समझेगा तो जाहिर है कि ये क़्लत इलम भी है किल्लत तदब्बुर भी है बल्कि इससे भी आगे कुछ है तो एक होता है ना कि बाज़ लोग मगफ्फ़ल से होते हैं एक शख्स ने अगर ये बात की है तो क्या होगा दूसरे लोग हंसेंगे टोकेंगे या सब्र से काम लेंगे और असलाह करेंगे बताएंगे कुछ ना कुछ करेंगे ना इसके नतीजे में तो अब हुआ क्या कि सूरा बकरा की वो जो आयत है जो रोज़े में है वो महल अख्तलाफ हो गई आयत खुद अपने अंदर कोई चीज़ नहीं रखती थी वो तो कतय दलाला थी कतईबूत थी यानी महल अख्तलाफ़ बन गई मेरे रवैये की वजह से तो तफीम तबीन की हजूर को क्यों ज़रूरत पेश आई कोई तो ज़रूरत नहीं थी करने की इसलिए पेश आई कि कोई चीज़ या महल अख्तिलाफ हो गई है कोई सवाल लेके आ गया है किसी ने कोई गलत तशरी कर दी है और या इम्कान है इस बात का कि महल अख्तलाफ हो जाए एक बारत साहिब इम हस्ती ये महसूस करती है जैसे हम शागिर्दों के बारे में देखते हैं तो पहले इस बुनियादी बात को समझ लीजिए ये महल अख्तिलाफ को अगर मैं कुरान की तबीर में बयान करूँ तो ये क्या है ये फ़ी माँ शजर बी है यानी मामला अब हमारे दरमियान, कुरान के अल्फाज हैं फी माँ शजरा बीना हूँ, ये हमारे दरमियान महल अख्तलाफ बन गया यानी जब हम किसी आलिम की तरफ भी रजू करते हैं शराह के लिए करें फ्रा के लिए अखलाक़ के लिए करें इसलिए करते हैं मान रहे होते हैं दोनों इसको तो ये क्यों करते हैं इसीलिए करते हैं कि महल अख्तलाफ हो गया मामला तो ये फी मा शजरा बैनाना हो गया फी मा शजरा बैनाना के बारे में हमें हिदायत क्या की गई इसमें रसूलुल्लाह की तरफ रजू लाजिम है फ़ला व रबी का ला यू मिनू न हत्के मुँह का फी माँ शजरा बहनों इसमें रसूलुल्लाह की तरफ रजू लाजिम है अगर हुजूर दुनिया में मौजूद होंगे तो आपकी बारगाह में पेश होना लाजिम है क़ुरान मजीद ये कहता है कि तेरे परवर की कसम ये मुसलमान नहीं हो सकते मोमिन नहीं हो सकते हत् युहक के मुँह का ये आपको हकम बनाए किस में फी मा शजरा बहना हूँ तो अब मुझे ये बताइए कि वो फी मा शजरा बहना हूँ अगर मेरा और आपका जायदाद झगड़ा है तो उससे ज़्यादा बड़ा झगड़ा ये है कि मैं कुरान की आयत का एक मतलब समझ रहा हूँ आप दूसरा समझ रहे हैं और जो लेकर आया वो मौजूद है और जो लेकर आया वो मौजूद है।, है तो अल्लाह ताला ने पाबंद कर दिया है मुझे यानी रसूलुल्लाह पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी लेकिन मुझ पर ज़िम्मेदारी है क्या ज़िम्मेदारी है हत्ता युह का मुझे जाना है आपके पास आपकी बारगाह में हाजिर होना है और हर हाल में आपकी तरफ रिजू करना है तो पहली बुनियादी बात तो ये समझ लीजिए और फिर ज़रा इसके नतीजे देखिए मुझे जाना है रसूलुल्लाह के ज़माने में मैं जाऊँगा हुजूर ने इसके जवाब में अपना फ़ैसला दे दिया अता युक्म होगा ना ये फैसला है आपने फरमाया कि नहीं बकरा की वसायत में सफ़ेद धागा तकिए के नीचे नहीं रखना उसका मतलब ये है ये फैसला हो गया ये फी मा शजरा बैना में फैसला है हजूर का या आपने किसी असल की फ़रा के इतलाक़ में रहनमाई फरमाई और आपने फरमाया नहीं ये इस तरह होगा जैसे वो मशहूर वाक़ है ना कि भाई हम अगर हदी के जानवर लेके जा रहे हैं रस्ते में मर जाए तो क्या करें तो अब जाहिर है कि ये एक असल है जिसकी फरा के बारे में एक सवाल जेर बहस आ गया है फैसला दे दिया हज़ू ने जब फैसला आपने दे दिया यानी फैसला देना कोई आपकी ज़िम्मेदारी नहीं थी मेरा फर्ज था मुझे हुक्म दिया गया था कि ईमान का तकाजा यह है कि तुम पेश करोगे मामला जाके आपने फैसला दे दिया आपके फैसला देने के बाद फिर एक और ज़िम्मेदारी मुझ पर डाली गई है वो जिम्मेदारी क्या है मुझ पर से मुरास यानी रसोल्ला के महातबीन जो आपके साथ मौजूद हैं क्या जिम्मेदारी डाली गई है वो ये है कि अब जो फैसला उधर से शादिर होगा देखिए अब यहाँ ना कुरान है ना सुनत है फैसला शादिर होगा रसुल्लासम की शख्सियत यानी रसुल्लासलम की शख्सियत जर बहस है कि जो पहले तो यह कि मुझे जाना था ख़ा मेरा ज़ाती मसला था जाना था ख़ा मेरा दीनी मसला था जाना था ये तो नहीं कहा गया कि मुझे तहकीम के लिए सिर्फ दुनेवी मसलों में जाना है दीनी दुनेवी कोई मसला दरपेश है मुझे तहकीम के लिए हजूर की तरफ जाना है ये ईमान का तकाजा पहला काम दूसरा काम यह है कि अब जो फैसला वहाँ से शादिर होगा सुम्मा ला यजदूफोसम हरजम मम् कजैता देखिए अल्फाज के इस्तेमाल हुए फैसला शादिर हुआ है अब जो फैसला है इस फैसले के लिए दिल में तंगी भी महसूस नहीं करनी और वहीसलम तस्लिम उसके सामने सरे तस्लीम कम कर देना है ये कुरान है या कोई और चीज़ पढ़ रहा हूँ कुरान मजीद है ना सिहबा कराम इसके पाबंद थे आप के सहाबा पर लाजिम था कि अगर उन्हें कोई कोई चीज़ ऐसी पेश आ गई है जो फ़ीमा शजरा बैन हम हो गई है बड़े बड़े मामूली अल्फाज कुरान फीमा शजरा बैन हो गई है यानी एक आयत के बफहम के बारे में कोई इख्तलाफ़ है तो फ़ीमा शजरा बैन अगर किसी असूल के इतलाक़ के बारे में कोई इख्तलाफ़ पैदा हो गया या इमकान है उसका तो फी मा शजरा बैनुम हजूर इमकानी कज़ियों के भी फ़ैसले फ़रमा देते थे मसला आपको इस इम्कान के बारे में अंदेशा हुआ कि मेरे बाद खिलाफत का झगड़ा पैदा हो जाएगा निदा पैदा हो जाएगी तो आपने फैसला फरमाया ना तो इसी तरह से किसी मौके पर ये अंदेशा करके कि कुरान की फ़लां आयत के बारे में कोई आदमी अपनी गफलत की वजह से या अपने अदम तदब्बर की वजह से या अपनी किल्लत इलम की वजह से ये मसला पैदा कर देगा तो कभी आपने ख़ुद भी उसमें कोई बात फरमा दी कभी सवाल के जवाब में कह दी जब लोगों ने रजू किया तो मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि जिम्मेदारी कोई नहीं लेकिन आपकी राफ़त आपकी शफकत आपकी नुस् खैरखाई के नतीजे में ये फ़ैसला आपने दे दिया तो फैसले की तरफ़ रजू करना ज़िम्मेदारी थी कुरान ने लफ्ज़ों में बयान कर दिया सिर्फ यही नहीं कहा कि बात यहाँ से शुरू हुई कि अगर आप फैसला दे दें नहीं मुझे कहा गया अत्ता युहक के मूख मुझे जाना है और अगर फैसला शादर हो गया तो उसको दिल में कोई तंगी महसूस किए बगैर मानना है और फिर उसके सामने सर तस्लीम खम कर देना है ये रसूल की हैसियत कुरान में बयान हुई है और ये आयत आई कहाँ है इसको पीछे देखिए ये इसी स्याक में आई है कि लोगों ने अपने निफाक की वजह से पैगंबर को ये हैसियत नहीं दी और उसमें इससे पहले वो बात कही गई है कि मारसूलता बेज़न ला के रसूल की इतात होनी है अल्लाह के इज़न से तो ये स्याख खुद बता रहा है कि यहाँ इतात वो कुरान और सुन्नत देने और लेने वाली इतात जेरे बैसी नहीं है ये उससे आगे की इता जेर बहस है यानि शख्स से रसोल्ला का ये मकाम है जिस तरह ये हुक्म दिया गया है कि अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगो अल्लाह ताला से, तो हुजूर के पास जाओ और दरख्वास्त करो कि आप भी इसतफार करें हुक्म दिया गया है ना इसी के गिरदोपेश में इसी तरह ये हुक्म दिया गया है कि अगर कोई महल इख्तलाफ हो गई ये चीज़ यानी सबब कोई भी हो सकता है या हुजूर ने ख़ुद महसूस करके कि ये चीज़ महल्ले अख्तलाफ हो सकती है कोई फैसला दे दिया कोई हुक्म दे दिया इसमें देखिए आखिरी पैराग्राफ में मैंने हुक्म और फैसले के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं तो ये फैसला हासिल करने के लिए जाना भी ईमान का तकाजा इसको दिल में कोई तंगी महसूस किए बग़ैर मानना भी ईमान का तकाजा तो इसलिए ये बात तो सरी नस में बयान हो गई है ना वमार वारसल रसूल ज़ा बेजिल्लाम कुरान व सुन्नत को आपसे लेना और मानना मुराद है और ना ईसायक ये सब मामला असल में फी मशरा बहराना और ये अगर आप देखें तो पैदा ही तफीमो तवीन तो के बाद में होंगे यानी वहाँ तो अगर हम ना माने कुरान को ना माने या सुन्नत को ना माने तो, तो माने हम हजूर को नहीं मान रहे वो हजूर से अख्तिलाफ़ हो गया है माजल्ला इसलिए वो बहस ही नहीं है ज़ेर बहस क्या है फी माँ शजर बहनाऊँ हमारे दरमियान फ़हम में इख्तलाफ हो गया समझने में अख्तलाफ हो गया किसी ती मसले में अख्तलाफ हो गया इसमें सबका अहाता कर लिया है हर तरह के मामले में रसूलुल्लाह मौजूद होंगे तो आपकी तरफ रुजू किया जाएगा अब आप ये देखिए कि ये जब रजू किया गया या किसी चीज़ को महल इख्तलाफ करार देकर हुजूर ने कोई फ़ैसला फरमा दिया कोई हुक्म दे दिया तो क्या हुक्म था यानी जाना भी जरूरी था मानना भी ज़रूरी था मुझे या आपको बाद के ज़मानों में इतला मिली कि ऐसा एक हुक्म और फैसला किसी महल इख्तलाफ में दिया गया था इसके बारे में मेरा रवैया क्या होना चाहिए वो जो रसूल अल्लाह की मौजूदगी में इसलिए कि मेरे लिए वो अल्लाह के रसूल है मुझे इतला मिल गई कि हुजूर का फ़ैसला तो अब हुजूर मौजूद हैं तो आपके पास जाना लाजिम हुजूर के फैसले की इतला मिल जाए तो उसे पाना लाजिम तो मुसलमान उम्मत ने बिल्कुल दुरुस्त रवैया इख्तियार किया यानी जब सहाबा किसी चीज़ को रिवायत कर देंगे तो अब उसके बाद उसको जाना है उसको देखना है उसको तलाश करना है ये जो हम देखते हैं कि हमारी उम्मत में एक बहुत बड़ी तादाद ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि वो हुजूर के इस तरह के फ़ैसलों को इकट्ठा करेंगे इस तरह की हिदायत को इकट्ठा करेंगे यानी कुरान और सुन्नत तो उनके पास मौजूद है वो इसके लिए भी निकल खड़े हुए तो ये जो हदीस को जिसे हम कहते हैं यानी रवायात को जमा करने का काम हुआ इतने बड़े पैमाने पर हुआ ये महज़ कोई तहजीबी रवायत नहीं है ये कुरान मजीद के इस हुक्म का इमतसाल है ये किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है इसीलिए मैं इसको मुसलमानों का सबसे बड़ा इल्म भी कहता हूँ बड़ी मेहनत किया लोगों ने यानी ये चीज़ हम पर लाजिम हो गई जब हमें इतला मिल गई देखिए इतला ना मिले कोई ज़रूरी नहीं कोई सिहाबी अपने तरीके के ऊपर ये समझता है कि उसे आगे नहीं बयान करना देखिए वहाँ से आवाबा पर वो ज़िम्मेदारी नहीं डाली गई ये गौर से देख लीजिए इस आयत के अंदर ये ज़िम्मेदारी थी कि सैदना सिद्दीक को भी अगर कोई मसला दरपेश है तो जाएंगे आपके पास लेकिन वो जो फ़ैसला या हुक्म मिला उसको अब आगे बयान करना भी ज़िम्मेदारी है नहीं कुरान ने नहीं बयान कियामर करना था उन्हें फ़ैसला करना था कि आगे बयान करूँ या ना करूँ उन्होंने कर दिया कर दिया तो जिस तरीके से हुजूर का फ़ैसला जब उनके सामने आया तो ज़रूरी था जब वो बयान हो गया तो मेरे लिए इमतसा ज़रूरी हो गया तो अब इसको पाना भी है इसको जानना भी है इस बुनियाद पर इमाम शाफे ये कहते हैं कि इल्म खासा है और मुसलमानों में जो लोग इल्म से मुतलक ये उनका फ़र्ज़ है और एक लिहाज से पूरी उम्मत के लिए फ़र्ज़ किफाया बन गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फ़ैसलों और इन आहकाम को तलाश किया जाए जहाँ कहीं जब इतला मिलती थी तो जाते थे तो जाना ज़रूरी उनको जमा करना ज़रूरी उनकी तहकीक करना ज़रूरी तहक़ीक़ लाजमन होगी ये जितनी तहक़ीक हम करते हैं या किसी रवायत पर एतराज़ा कर रहे होते हैं ये रसुल्ला से उसकी नस्बत के बारे में इतमी की बहस है यानी ये देखा जा रहा होता है क्योंकि दूसरी तरफ भी तंबी है कि मेरी नस्बत से कोई गलत बात प्य ना हो जाए तो हमारे यहाँ जो मुहदसिन ने उसूल बनाए कि सनद इस तरह देखेंगे मतन इस तरह देखेंगे वो असल में इत्मीनान के लिए है। पूरा पैराग्राफ आप पढ़िए तो उसमें ये बताया गया कि जब मुझे सेहत पर इत्मीनान हो गया कि ये बात तो हुजूर की है तो अब इतल, इतला मिली पहले तो उसको तलाश करना ज़रूरी था और जब मुझे इत्मीनान हो गया तहक़ीक के बाद कि वो बात सही है तो उसके सामने सर तस्लीम खम करना ज़रूरी है ये बराए रास्त नस् में हुक्म बयान हुआ है इसलिए मेरे नज़दीक इसके बारे में तो कोई बहस ही पैदा नहीं होती तो ये मौक़ है मेरा इसी को मैंने इस किताब में बड़ी तफसील और वजाहत के साथ इब्त में बयान कर दिया है रिसालत माँ आपली वसलम की मनसबी जिम्मेदारियाँ दो थीं पर खुलासा कर दूँ जो दीन आपको दिया गया कुरान और सन्नत की सूरत में उसका बलाग मुबीन जिस अदालत को आपके ज़रिए से बरपा किया गया उसमें जो हुक्म दिया जाए उसकी पैरवी उसमें आप मामूर थे यहाँ तक के हदयविया का माहिदा लिखने के लिए भी मामूर थे तो उसमें बहुत से अहकाम हैं जो आपको दिए गए ये मनसबी जिम्मेदारी हैं तफीमो तबीन आपकी कोई मनसबी ज़िम्मेदारी नहीं ये आपकी रहफत आपकी रहमत अपनी उम्मत को अख्तलाफात से बचाने के लिए आपने अपने तौर पर भी किसी मौके पर रहनमाई फरमाई सवाल का जवाब भी लिया उम्मत की मखातबीन की सहाबा की ज़िम्मेदारी थी कि अगर ऐसी कोई चीज़ आए जहन में खा किसी मतन के बारे में आए खा किसी असल के अतलाक़ के बारे में आए रजू आपकी तरफ किया जाएगा इस वक्त भी अगर कोई चीज़ मुझे मालूम हो कि हुजूर का फ़लाँ हुक्म या फैसला दुनिया में कहीं पाया जाता है तो मुझ पर लाजिम है कि मैं उसकी तरफ़ रजू करूँ ज़ाहिर है ये जो लाजिम होना है ये बिल्कुल सही कहा है इमाम शाफ ने यह फ़र्ज के के दर्जे में है यानी बैसीत उम्मत वलमा ये जद्द करते हैं वही ये सब काम करेंगे आज भी कर रहे हैं तो ये लाजिम है मिल जाए तो हमारे आईमा फ़िका जब बयान करते हैं ना कि अगर तुम्हारे सामने हुजूर का फ़ैसला आ जाए तो हमारी राय को दीवार पर दे मारो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं यही हुक्म दिया गया है वजुसलमु तस्लीम जी हम सब बहुत ही अहम गुफ्तु आज हमने आपसे की दीन का तनहा माखज रसात माप सल्लम की जाते वाला सिफ़ात है कुरान सुन्नत दीन के मुस्तकिल सोस के तौर पर मिले हैं और हदीस के अंदर उसी दीन की तफ़ीम तबीन शर वजाहत होती है हदीस को मानना क्यों ज़रूरी है कुर मजीद का वो क्या हुक्म है जिसकी वजह से रिसात महापलम की तात और अपने अख्तलाफात के मामलों में उन्हें हकम बनाना लाजम है और हदीस के बारे में ये नुक़ः नज़र किस वजाहत से आज बयान हुआ है इस पर कोई ज़मनीशाल पैदा होते हैं तो दोबारा ज़ेर बहस लाएँगे वक्त यहाँ पे खत्म होता है इजाज़ा दीजिए अब तक आपका ओके बहुत